नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम अशोकवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम की जो अपडेट है वो आप तक पहुँच सके, आपके पास एक नई जानकारी पहुँच सके। तो इसीलिए हम कहते हैं आपसे कि आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि लोगों तक पहुँच सके जानकारी, और आप तक तो है ही है। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं कि जो एक ब्लैकमेलर आपको किसी प्रकार से अपने जाल में फंसा लेता है और फंसा लेने के बाद आपकी एक वीडियो बना लेता है, और वीडियो जब बन जाती है तो उसी के चलते हुए आपसे एक्सट्रॉर्ट किया जाता है, आपसे पैसा मांगा जाता है। लेकिन यहाँ पर आज का जो टॉपिक जो है वो थोड़ा सा चेंज है। आज एक व्यक्ति जो कि हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने हमें ये जानकारी दी, जो कि उड़ीसा के रहने वाले हैं। उन्होंने ये बताया कि उनके ही दोस्त ने, उनके ही फ्रेंड ने उस वीडियो को वायरल करवा दिया, यानी कि उस वीडियो को कई लोगों को सीन करवा दिया और व्हाट्सएप पे लगातार घूमती रही, और बाद में उन्हीं के पास आई और उन्हीं के फ्रेंड्स के द्वारा उनको पता लगा। तो बाद में जब तक पता लगा तब तक वो लोग, काफ़ी लोग उसके पास पहुँच चुके थे वीडियो, और काफ़ी लोग उसको सीन कर चुके थे। तो यहाँ पर जो मुद्दा है वो यही है कि आपने दोस्त या फ्रेंड है उसके साथ में साझा करें क्या ना करें। और आज एक फ्रेंड जो है वही आपकी, जो कहते ना कि अपने ही अपनी लगातार बुराई या परेशानी बढ़ा दी उन्होंने, ऐसा होता है। हालांकि इस केस में जो हुआ वो गलती से भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको पूरा बताऊंगा कि किस तरीके से इनके साथ में ब्लैकमेलिंग हुई, किस तरीके से इनके साथ की जो वीडियो थी वो इनको, मतलब लोगों तक पहुँची। तो अब मैं इसी वीडियो, इसी चर्चे पर, इस टॉपिक पर बात करना चाह रहा हूँ। और उससे पहले मैं आपसे ये भी बताना चाह रहा हूँ कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में आपके लिए जानकारी मिल सके, और एक नई जो किस प्रकार से लोग इस तरीके की ब्लैकमेलिंग के शिकार हो जाते हैं वो चीज़ आपको सामने पहुँचे आपके और आप तक पहुँचे। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपके लिए, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लें। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं कि ये जो उड़ीसा के रहने वाले हैं, इनके साथ किस तरीके से फ्रॉड हुआ, किस तरीके से ब्लैकमेलिंग हुई इनके साथ में, किस तरीके से इनकी वीडियो को मतलब लोगों तक पहुंचाएगा, उसी के हम बारे में हम बात करते हैं। ये बता रहे थे कि सर मैंने एक क्यूट्यू ऐप थी, क्यूट्यू, उस ऐप में मैंने अपने फ़ोन में वो इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद मेरी वहाँ पर मैं अपने लॉगिन किया, मैंने लॉगिन आईडी अपनी बनाई, उस पर बनाने के बाद वहाँ पर कुछ लोग, लड़कियाँ मिली, और मैंने उनसे बात भी करी थी, और उन्होंने मुझसे कुछ चार्ज भी किए थे, 50 रुपये समथिंग बात करने के सिर्फ। तो मैंने उनसे बात करी, और बात करने के बाद उनमें से एक लड़की मुझे मिली और मेरे पास उसकी बातें हुई वहाँ पर क्यूट्यू ऐप पर। उसके बाद जब हम दोनों बातें ज़्यादा करने लगे तो उन्होंने मुझे नंबर दिया, अपना व्हाट्सअप नंबर। मैं फिर व्हाट्सएप पर स्विच कर गया, यानी कि क्यूट्यू ऐप छोड़ दिया और वहाँ से स्विच कर दिया व्हाट्सएप पर, और व्हाट्सएप पर फिर बातें स्टार्ट हुई हमारी, काफ़ी बातें हुई, लगभग सुबह से लेकर शाम तक हमारी बातें होती रहीं, और मैं लगातार चैट करता रहा उससे, चैट टेक्स्ट भी किया था मैंने। और बाद में जब काफ़ी देर बात हो गई तो उसने खुद कहा था कि मैं वीडियो कॉल करना चाहती हूँ, आप कुछ रोमांटिक बातें, मतलब रोमांस करना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं। तो लड़का एज में, मतलब स्टूडेंट एज में, एज ही है उनकी, और स्टूडेंट मतलब 20-22 के आसपास है, तो लड़का कभी मना नहीं करेगा इस चीज़ के लिए। तो उसने मना कि नहीं किया, और उसने जब वीडियो कॉल होने लगा तो सामने से वही चीज़ जो क्लिप मैं आपको दिखाता हूँ, मैं जो मैंने आपकी आपको स्क्रीनशॉट दिया था एक वीडियो पर, वही है, वो वीडियो बनना शुरू हुआ। और ये इस दौरान पर उनकी फर्स्ट क्लिप बनी जिसमें कि वो सिर्फ वॉच कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, फिर उसके बाद वो कट हो गई। कट होने के बाद फिर वो टेक्स्ट किया उसको, मैसेज किया, और मैसेज करने के बाद उसको बोला कि तुम अभी अपना मतलब पार्ट्स शो करो, अपनी बॉडी शो करो, ताकि आप हम भी रोमांस कर सकें और आप भी रोमांस कर सको, दोनों मिलकर करते हैं। दूसरा वीडियो कॉल चला, वीडियो कॉल आया, वीडियो कॉल से बातें हुई उनकी, फिर वही जो स्टार्ट हो गई न्यूडिटी उनकी दोनों की, और उसके बाद वही चीज़ वो जो उन्होंने किया था, उसके बाद उनकी वीडियो बनी। वीडियो बनने के बाद कुछ ही सेकंड्स बाद, मिनट्स बाद, वो वीडियो उनको वापस आई, और वापस आने के साथ ही साथ धमकी भी आई, वार्निंग भी आई कि अपलोड करें, डिलीट करें, बताइए क्या करना है अब इसके संबंध में। तो हर कोई है देखकर, वो जो चीज़ उसने किया है अगर उसी के सामने प्रेजेंट किया जाए
तो डेफिनेटली वो डर जाएगा, और डर गया तो डरने के बाद फिर उसने बहुत ज़्यादा मिन्नतें करी, परेशान हो गया व्यक्ति डर जाता है तो। और वहाँ पर उसके बाद जो वीडियो बनी थी, फिर उसने जब इस परेशानी में फंस गया तो उसने मतलब एक लीगल एडवाइज़र की हेल्प ना लेकर अपने ही फ्रेंड की हेल्प ली जो कि उसका काफ़ी क्लोज फ्रेंड था। उसने जब ये बात बताई पूरी कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो उसने अपने उसकी फ्रेंड ने क्लोज जो फ्रेंड था उसका, उसने सुनी बात पूरी। सुनने के बाद उसने कहा कि ऐसा है, तू जो तेरे साथ वीडियो बनी है वो वीडियो मुझे भेजना जरा, मैं देखता हूँ क्या है क्या नहीं है, ताकि मैं तुझे सही से गाइड कर सकूँ, बता सकूँ। उसने अपने फ्रेंड को वो वीडियो भेज दी, व्हाट्सअप कर दी। अब व्हाट्सअप करने के बाद फिर वही चीज़ आगे, मतलब एक के बाद उसने अपने फ्रेंड को करी, फ्रेंड ने दूसरे को बताई कि ऐसे ऐसे इसके साथ में हो गया है, इस तरह की चीज़ें हो गई हैं। तो फिर उसने अपने उसने भी कहा कि मुझे दिखा कि कैसे क्या हुआ है, तो उसने वो उसको ट्रांसफ़र कर दी, भेज दी उसने। तो ऐसे ही एक के बाद एक ये व्हाट्सअप पर लगातार चलती गई, मूव करती गई। और उसके फ्रेंड मतलब वो बता रहा था कि सर नेक्स्ट डे में जब मैं कॉलेज गया था तो कॉलेज में काफ़ी लोग मेरे बारे में चर्चा कर रहे थे, मुझे ऐसी नज़रों से देख रहे थे कि मैं पता नहीं मैंने क्या ऐसा गलत कर दिया और मेरा चेहरा उतरा हुआ था। बाद में मुझे पता लगा कि मेरी वीडियो जो है वो सब लोग देख रहे हैं और सबके फ़ोन में है, वो स्कूल के पूरे जो है सारे बच्चों के स्कूल के जो फ़ोन थे उन सभी फ़ोन में है और मुझसे पूछ रहे थे कि तुमने कल क्या किया ऐसा जो ये हो गया है। तो इंसान शर्म के मारे अपनी समझ नहीं पाता क्या कर रहा है क्या नहीं करे। उसके बाद फिर उसने जब व्यक्ति ज़्यादा परेशान हो जाता है तो फिर उसने एक मतलब हेल्प लिया YouTube का, YouTube से सर्च किया, और सर्च करने के बाद फिर हमारी वीडियोस उसने उनको मिली, और मिलने के बाद फिर उन्होंने हमसे बात करी और हमें पूरी जो स्टोरी थी वो आपको हमें बताई, और जब हमें बताई तो फिर हमने आपको बताई। तो यहाँ पर जो एक ब्लैकमेलिंग या फिर वायरल वीडियो करने का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो है आप, यानी कि आपने ही अपने किसी सगे मित्र को या किसी को भी, जैसे इस केस में हुआ, इन्होंने अपने क्लोज़ फ्रेंड को शेयर किया और क्लोज़ फ्रेंड ने किसी और को शेयर किया, किसी और ने किसी और को शेयर किया, ऐसे वो लगातार फिर शेयर होती गई। तो ये इस कैटेगरी को आप कह सकते हैं कि गलती आपके वजह से हुई है। पहली गलती आपने करी अपना जो कि जो कुछ भी है, आप ऑनलाइन मतलब लाइव होकर आप अपना पूरा बॉडी पार्ट्स दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं, ठीक है, और आपको भी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, पहली गलती ये कर रहे हैं। दूसरी गलती आप खुद अपनी ही वीडियो अपने आप ही वायरल कर रहे हैं आप, तो ये जो गलती है वो गलती आप ही कर रहे हैं, और ऐसी गलती आप हो सकता है कुछ और लोगों ने भी करी हो, क्योंकि मेरे पास फ़ोन आया तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये बात आप सभी के लिए साथ शेयर करूं, ताकि आप भी इस चीज़ से अवेयर रह जाएं। क्योंकि मैंने हमारी वीडियो जो होती है वीडियो के नीचे कमेंट भी करते हैं कि दोस्ती ही काम आता है, दोस्ती ही बहुत अच्छी मदद करता है, क्योंकि सबसे पहले हम ऐसी चीज़ें जब होती हैं, पहली बात तो ये है कि परिवार में बताने योग्य बातें हैं नहीं हमारी, जो हमारे साथ में ऐसी चीज़ घटना हो जाती है, लेकिन हम अपने फ्रेंड को सबसे पहले बताते हैं ये कि हमारे साथ में इस तरीके का हुआ है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारा फ्रेंड भी हमारी जान का दुश्मन हो जाता है, कहते ना जानी दुश्मन भी वही बनता है जो अपना बहुत ज़्यादा क्लोज होता है। तो वहाँ पर मैं किसी के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि बहुत दोस्त अच्छे भी होते हैं, सही भी होते हैं, और हो सकता है जो इनके साथ में हुई है, इनके साथ जो घटना हुई है, जो उड़ीसा के हमारे सब्सक्राइबर हैं इनके साथ में हुई है, ये भी किसी गलती से हुई हो, क्योंकि इन्होंने भेजा या फिर किसी और ने किसी और को भेज दिया, ऐसे हो गया होगा, ठीक है। क्योंकि गलती से भी किसी को कुछ भेज रहे होते ना तो वो टिक हो जाता है, टिक होने के बाद साथ में उसके साथ में भी वो चीज़ चली जाती है। मान लो हम कोई और अपना वीडियो, किसी कोई और कॉमेडी वीडियो है, कैसी फनी वीडियो है, तो वो वीडियो हम भेज रहे हैं और उसके साथ में वो भी दूसरा टिक हो गया जो आपत्तिजनक है, तो दोनों चले गए उसके पास में। तो ऐसे गलती भी हो सकती है किसी प्रकार से, क्योंकि दोस्त अच्छे भी होते हैं, क्योंकि दोस्त के बिना जीवन भी अच्छा नहीं लगता है, और कॉलेज टाइम में तो बहुत ज़रूरी है दोस्त फ्रेंड्स बनना। तो बहरहाल मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा आपके लिए, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो आप किसी एक्सपर्ट एडवाइज़र से ही मतलब साझा करें, यानी कि उसके साथ ही अपनी एक्सपर्ट जो अपनी एडवाइस अपनी प्रॉब्लम है उसके साथ शेयर करें, क्योंकि कोई भी आपके चीज़ों को जब आप ही नहीं रोक पाओगे तो फिर बताइए दूसरा व्यक्ति कैसे रोक पाएगा। ऐसी चीज़ें तो जानबूझ के आदमी भेजता है दूसरे के पास में, ये देख ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या हो रहा है। तो ऐसी चीज़ें हालांकि लड़कों में शेयर होती हैं, तो फिर बात तो वहीं तो पहुंच जाती है ना, मतलब वायरल वाली भी चीज़ें हैं। तो फिर उन्होंने मुझे बताया, तो फिर मैंने आपको बताया, और आप भी ये चीज़ की बात की इस बात की गांठ बांध लीजिए कि अगर आपके साथ में, पहली बात तो ये है, इन सब चीज़ों से बचने की कोशिश करें आप जितना भी बच सकते हैं। किसी व्यक्ति के सामने लाइव होकर आप कैमरा और अपनी बॉडी पार्ट्स किसी को शो ना करें, पहली बात तो ये है। दूसरा, अगर आप किसी परेशानी में फंस भी जाते हैं, प्रॉब्लम में हो जाता है आपके साथ में, तो अपनी ही वीडियो जो बनी है आपके साथ में आपकी,
और जो एक ब्लैकमेलर के द्वारा आपके पास पहुंची है उसको किसी और के साथ शेयर ना करें। शेयर करेंगे तो देखो परेशानी आप ही को आएगी, प्रॉब्लम आप ही को आएगी, आप ही बदनाम होंगे, ठीक है। वो आप जानते हैं क्या है क्या नहीं है, ठीक है। हम भी जानते हैं कि ये चीज़ें मतलब फेक करते हैं लोग, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ अगर बन जाती हैं और समाज में है तो दूसरे लोगों तक तो आप अपना मैसेज कैसे पहुँचाओगे कि ये चीज़ें गलत हैं और ये आजकल समाज में चल रही हैं। तो बेहतर है कि उनको आप किसी और के साथ साझा ना करें बिल्कुल भी, और किसी के साथ भी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं लेकिन किसी एक्सपर्ट एडवाइज़र के साथ में, जो कि आपको वो चीज़ें आपको गाइड कर सके, आपको उस ब्लैकमेलिंग से बाहर निकाल सके, और इस इन सब चीज़ों से भी आपको एकदम मतलब इन चीज़ों जो प्रॉब्लम आपके साथ में है उन चीज़ों से भी आपको बाहर निकाल सके। तो बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरे सामने ये चीज़ ऐसी आई तो मैंने सोचा मैं क्यों ना अपने मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे व्यूअर हैं, मैं उनको सबको बताऊँ ताकि वो भी ऐसी चीज़ ऐसी कोई गलती ना करें, क्योंकि दोस्त भी ज़रूरी होता है, हर दोस्त ज़रूरी होता है लाइफ में, लेकिन कहीं कहीं ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हमें दोस्त के साथ में हम शेयर करना नहीं चाहते हैं और ना ही हमें करें, क्योंकि आने वाले समय में वो व्यक्ति हमसे वो किसी न किसी प्रकार से वो बातें कहेगा और हमको फिर समाज में अपमानित कर सकता है। बहरहाल मैं किसी फ्रेंड के लिए किसी दोस्त के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे भी लाइफ में मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, और आप भी आपके भी लाइफ में बहुत अच्छे दोस्त होंगे, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें प्राइवेट भी हमें रखनी होती हैं, क्योंकि हम अपने दोस्तों से साथ शेयर नहीं कर सकते। बहरहाल आपका विवेक है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन मेरा एक उद्देश्य है कि मैं आपको जागरूक करूं, तो वही मैं काम आप कर रहा हूं, और आपका भी एक थोड़ा सा फर्ज बनता है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाएं, क्योंकि फ्रेंड्स पर बेस्ड है तो फ्रेंड्स तक पहुंचाएं, ताकि फ्रेंड भी इस चीज़ के साथ में वो अवेयर हो जाएं कि ऐसी चीज़ें घटना अगर घटित होती है तो हम किस व्यक्ति की हमें सलाह लेनी है। बहरहाल अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई आप में से कोई भी इस ब्लैकमेलिंग जैसा चीज़ शिकार हो जाता है तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हम संपर्क कर सकते हैं, ताकि हमारी एडवाइस जो है हम आपको दे सकें और आपको इस ब्लैकमेल से बाहर निकाल सकें, बचा सकें आपके लिए। और जो भी व्यक्ति हमसे जुड़ना चाहते हैं आप लगातार जुड़ते रहिए, आप हमें सब्सक्राइब करते रहिए, और जो डोनेट करना चाहते हैं हमें ताकि हम ऐसे काम करते रहें लोगों के लिए अच्छे रहें, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर ही आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम द्वारा डोनेट भी कर सकते हैं। बहरहाल आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।